आप लोग को मालूम है एक चीज, टोनी और मैं बचपन से जानते हैं एक दूसरे को. हाँ, हम लोग साथ में स्कूल में पढ़ते थे मालूम है. अच्छा? हाँ, केजी से लेकर थर्ड स्टैंडर्ड तक हम लोग साथ में थे. फिर फोर्थ स्टैंडर्ड में हम लोग अलग हुए है ना. फोर्थ स्टैंडर्ड में मैं बी डिवीजन में थी और ये कौन से डिवीजन में थे. हाँ हाँ, डी में, 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 डी में. अरे वाह, कितना टैलेंटेड फैमिली आप लोग का. मेरे को बहुत अच्छा लगता है. माय टैलेंट आपके अंदर, नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़, इतने सारे कक्कड़ है आपके घर में. तो मेरा एक सवाल था नेहा जी, जब आप लोग घर में ऐसा चावल ऐसा चुनते हैं तो उसमें से कंकड़ निकलते कि उसमें भी कक्कड़ ही निकलते हैं? ऐसे जानने का. बट यू नो व्हाट, यू वेरी लकी. हाँ, इतने भगवान ने आपको खूबसूरत और टैलेंटेड बहने दिए, दोनों की दोनों है ना. अगर सोचो आपको भगवान ने दो भाई दिए होते तो इन तीनों का क्या नाम होता? क्या? अमर अकबर एंड टोनी. क्या फालतू की बातें कर रही है नेहा, क्या सोचेगी तेरे बारे में? नहीं नहीं, कैसा, अच्छा ही सोचती हूँ मेरे बारे में नेहा. कैसे आप? बहुत अच्छा लगा मेरे को वहाँ पाए. मेरे को ना, मेरे को बहुत दुख है. किस बात? मेरे को कोई प्यार नहीं करता है. क्यों? आप रोना नहीं है, मैं कंटेस्टेंट नहीं हूँ. देखो, आप उधर रोते हैं ना तो आपका क्लोजअप लगता है, अगर इधर आपने रो दिया तो ये मेरी एंट्री काट देगा. मेरे को जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला. अगर आप हाँ कर दोगे ना, आप मान जाओगे, तो फिर मेरी शादी हो जाएगी. तो उनसे क्यों पूछ रही है? मैं उन्हीं के पति से तो प्यार करती हूँ. अरे वो शादीशुदा है ऑलरेडी. हाँ, तो ये बात उनको जाके बोलो ना. हाँ, हाँ, मेरे को रात रात को मैसेज करते हो क्या? हाँ, एक मिनट. हाँ, मेरे पास है पूरा प्रूफ के सटेली में. प्रूफ के? हाँ, ये देखो उनका मैसेज आया, प्लीज मुझे मैसेज मत किया करो, व्हाट इज दिस. तो क्या बुराई है इस मैसेज में? हाँ, वही तो, लड़के में कोई बुराई नहीं है, तभी तो मेरे को अच्छा लगता है वो. पर मेरा पति क्यों? देख लो ना, एडजस्ट करने का क्या होता है. You like me, no? I love इतने you. You love me, no? बहुत प्यारी हो आप. क्या है फिर, sharing is caring, कोई problem. ये देख, सब Indian Idol वाले वो student आए, बच्चे बेचारे सब, वो क्या सोचेंगे, कैसी बातें कर रही तू? हाँ हाँ, ये Indian Idol वाले है ना. हाँ. अरे वाह, बहुत अच्छा. हाँ, नौ नौ महीना उधर चलाते, इधर भी आके और चला रहे, कितना Indian Idol चलेंगे. आप लोग आराम से बैठो, हमारा अच्छा है. इधर कोई आपको कहीं नहीं बोलेगा आप मुंबई नहीं आ सकते, ऐसा क्यों गाया, वैसा क्यों गाया. इधर ऐसा नहीं रहता है. टैलेंट नहीं भी है ना तो आराम से बैठ के एंजॉय करने का, ऐसा कुछ. मैं आपको नहीं बोली, मैं आपको ऐसा बोल सकती है क्या? ये आपको नहीं, मैं आपको बोली, आपको अर्चना जी, आपको बोली मैं. तो यही सब करने आई है क्या यहाँ पे? तू तो मेरे को बोल रही थी मेरे को टोनी के साथ शो करना है क्या? हाँ, मेरे को थोड़ा काम था शो का. मैं बात कर सकती हूँ? हाँ जी. आप तो डरती क्यों? मैं आती हूँ, जगह बनाता हूँ मैं. अच्छा, मेरा ना एक शो था, एक शो का बात करना था आपसे. कम से कम नहीं तो 50,000 का ऑडियंस है. वाओ. और शो में कम से कम नहीं तो 10 साल चलेगा. 10 साल चलेगा शो? हाँ, 10 साल चलेगा. 50,000 लोगों के घर जा जाके परफॉर्म कर रहे. हाँ सचिन. हाँ. और क्या, कोविड का भी टाइम है ना. हाँ. तो एक घर से निकलेंगे तो 14 दिन का क्वारंटीन है, उसके बाद ऐसे ऐसे करके जाने का. मेरे पास आप लोगों के लिए मसाज है. हाँ, ये इसका इंतजार था. हाँ, इसने मेरा पार्लर था ना पहले. हाँ देखो, अभी चिल पहले से लगाई ला इसने. लेकिन फिर भी मैं मसाज नहीं छोड़ेगी. छोड़ू क्या मैं मसाज? नहीं, 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 नहीं. हाँ, मेरा अलग अलग टाइप का हम लोग मसाज करते हैं. तो अभी इतना अच्छा गाना आप लोग का सुपर हिट हुआ है, कांटा लगा. तो मेरे पास कांटा लगा मसाज है. इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं नेहा, बाप बेटे आते हैं मसाज कराने के लिए, ठीक है? तो हम बाप को तेल लगा के उसको उठा के झाड़ियों में फेंक देते हैं. और झाड़ियों में उसको काटा लग जाता है. हाँ, इतना भी इजी नहीं रहता झाड़ियों में उसको काटा लग जाता है. इतना भी इजी नहीं रहता है. हाँ, इतना इजी नहीं है. फिर क्या, जैसे वो झाड़ी में गिरता है ना वो बाप खड़ा होता है. वैसा खड़ा होता है
और इधर देखता है तो उधर शेर आ जाते हैं अरे सामने इधर शेर आता है अब शेर आते हैं तो वो घबरा जाते हैं वो घबरा के ऐसा टर्न करने के लिए ऐसा भागता है ना उधर उधर से सांप आ जाता है अब सोचो एक तरफ शेर एक तरफ सांप बीच में बाप है ना एक तरफ सांप एक तरफ शेर बीच में बाप है ना बिल्कुल हाँ क्या गलत है इधर सांप था ना क्या कर रहे ये गौर से सुन नहीं रहे अभी आप मेरे को समझाओ देखो बताओ एक तरफ शेर एक तरफ सांप और बाप किधर है बाप किधर है बीच में बाप शेर किधर गए थे वापस बताओ एक तरफ शेर एक तरफ सांप बाप किधर है तो शेर किधर गया वाह ये यहाँ आएगा एक तरफ शेर एक तरफ सांप बीच में You very talented, very nice. बहुत अच्छा लगा मुझे. Thank you. आगे क्या होता है बाप? अब बाप को घबराहट होती क्या करे वो? वो क्या करता है सांप के साथ भाग जाता है. सांप के साथ कैसे भाग सकता है? अरे वो जो बेटा नहीं आया था शुरू में, वो इच्छाधारी है, वो सांप बन के आता है. वो बाप के साथ भाग जाता है और शेर जो है, वो टच से मस नहीं होता. क्यों? उसको कांटा लगा है. मेरी चलती है अरे नहीं जाऊँ बहुत अच्छा लगा लेकिन एक बहुत प्रॉब्लम है मालूम है प्रॉब्लम वो इनके हस्बैंड आए थे मसाज कराने के लिए मेरे पास कुछ जहाँ रोहन प्रीत आए थे नहीं नहीं वो लड़के से मसाज नहीं कराते तो ये कौन सा असली है नहीं नहीं सच्ची में आए थे मेरे पास मसाज कराने उनको मसाज इतना अच्छा लगा उनको अपनी धुनकी में ना वो अपना प्रीत छोड़ के चले गए मेरे पास लेकिन कोई टेंशन नहीं आया लाइक मैंने उनका प्रीत संभाल के रखा है लेकिन अभी टेंशन क्या हो गई उनके जाने के एक घंटे बाद वो हीरोइन ही ना रकुल प्रीत वो भी आई मसाज कराने वो भी अपना प्रीत छोड़ के चली गई अब मेरे को डर लग रहा है कि रोहन का प्रीत कहीं रकुल को ना चला जाए रकुल का प्रीत कहीं रोहन को ना चला जाए मेरे को बहुत घबराहट हो रही है और वो जो दोनों प्रीत है ना मैंने कमरे में अभी रखा हुआ था एक घंटा पहले कैलाश खेर आया था मसाज कराने फिर वो अंदर से चिल्लाया प्रीत की लत मोहे तो अभी समझ नहीं आ रही कि रोहन की लत लगी है कि उनकी लत लगी है मेरे को बहुत टेंशन हो गया है अभी मैं क्या बताऊं और क्या है अपनी तो क्या है जिंदगी है और जिंदगी में होनी को कौन टाल सकता है इसलिए मैं धोनी से पूछ के आती हूँ मैं चलती हूँ बाय For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.